चलिए अब बात करते हैं मार्केट्स और बजट को लेकर, क्या करना चाहिए आपको और आज जो मार्केट ने एक टर्न दिखाया है उसको किस तरीके से देखें। हीलियोस इंडिया के सीईओ दिनशो ईरानी, जिनके पास कैपिटल मार्केट में करीब 3 दशक का अनुभव है, वो जुड़ गए हैं हमारे साथ। दिनशो जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, मेरे ख्याल से आपने मेरा पहला क्वेश्चन तो शायद गेस कर दिया होगा, क्योंकि आप आएँ और हम इस बारे में ना पूछें तो हो नहीं सकता। अभी भी कॉन्फिडेंस है HDFC बैंक में या थोड़ा सा हिला है वो कॉन्फिडेंस इतनी बड़ी गिरावट के बाद? बिल्कुल नहीं जी, अभिजीत भाई धन्यवाद आपके शो पर आमंत्रित करने के लिए और आपके दर्शकों को गुड मॉर्निंग। तो जी HDFC बैंक का ऐसा है कि एक्चुअली सिस्टमिक अगर जो कोई इश्यू रहता सिस्टम में तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम था, राइट। पर यहाँ पे ऐसा हमें ऐसा लग रहा है कि लिक्विडिटी, आप मेरे से पहले आई थिंक PNB के आए थे आपसे बात करने, तो उनका भी यही कहना था कि लिक्विडिटी टाइट रही है सिस्टम में और वो RBI ने कॉन्शियसली किया है और हमें लगता नहीं कि वो इतनी जल्दी में लिक्विडिटी निकलेगी। और दूसरा, अगर जो आप लॉजिकली भी देखें, अगर जो मेन कंसर्न था HDFC के रिजल्ट का वो ये था कि उनका डिपॉजिट ग्रोथ इतना बढ़िया नहीं था जितना एक्सपेक्टेड था उतना। अभी आप ये सोचिए बैंक की तरफ से, अगर जो लिक्विडिटी में इतना इश्यू है तो या तो आप रेट बढ़ाकर चढ़ कर आप अपना डिपॉजिट गार्नर कीजिए, या तो दूसरा आपके पास लिक्विडिटी कवरेज रेशियो है 110% का, तो आप उसको यूटिलाइज कीजिए। तो आई थिंक बैंक ने एक बड़ा कॉन्शियस डिसीजन लिया था कि मे बी लिक्विडिटी कवरेज रेशियो अच्छा है तो वी विल नॉट बी फाइटिंग इन द सिस्टम, तो इसलिए वो शायद थोड़े हम गए ऑन दिस एंड आई थिंक राइट चॉइस है। आई मीन मैनेजमेंट, आपने फ्रेंचाइज तो देखा ही है, HDFC बैंक का इतना स्ट्रॉन्ग फ्रेंचाइज शायद ही आपको मिले और आज की तारीख में तो काफी सस्ता भी मिल रहा है आपको। और अगर जो फ्रेंचाइज की बात करें तो मुझे याद है आदित्य पुरी जी ने एक बार एक स्टेटमेंट किया था एक क्वार्टर कॉल के बाद, जब लोग उनको पूछ रहे थे आपके NPS बढ़ गए तो सिस्टम में प्रॉब्लम है क्या है, तो उन्होंने ऐसे बोला था कि अगर जो मेरी शर्ट निकलती है तो दूसरे रुपये तो कपड़े निकल जाएंगे, तो सिस्टम में कोई इश्यू नहीं है। तो वैसा है, इतना स्ट्रॉन्ग फ्रेंचाइज है तो आप कभी इग्नोर नहीं कर सकते इस बैंक को, एंड स्पेशली गिवन द चीप वैल्यूएशन हमें तो और भी कम्फर्ट आ गया। अच्छा, एक और सेट ऑफ स्टॉक्स जहां पर आप, मुझे याद है हमारी समीर अरोड़ा से बात हो रही थी, बहुत एक एज अपॉर्चुनिटी देखा था जब पिछले साल अदानी ग्रुप में कोलैप्स आया था, वहां से हमने अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट देखा है इन स्टॉक्स में। यहां पर क्या आपके पोर्टफोलियो में इस ग्रुप के स्टॉक्स हैं और क्या व्यू है यहाँ पर अब? जी, हमारे पास एक ही स्टॉक है उस ग्रुप का जो लॉजिस्टिक्स में है मेनली, तो वो हमें काफी अच्छा लगता है क्योंकि अगर जो आप इंडिया की ग्रोथ की बात करते हैं, हम तो बोलते हैं कि हम बिग पिक्चर पहले राइट लेना चाहते हैं, यू शुड गेट द बिग पिक्चर राइट। तो बिग पिक्चर ये था कि इंडिया में GDP ग्रोथ होने वाला, राइट। अब हम दुनिया के तीसरे बड़े सबसे बड़े GDP में आने वाले हैं वेरी शॉर्टली, 4-5 साल के बाद, तो उसके लिए आपका ट्रेड शुड गो अप। आप तो ऑब्वियसली एक लॉजिस्टिक कंपनी जो 40% अपना कंटेनर ट्रेड कंट्रोल करती है या 25% पोर्ट ट्रैफिक कंट्रोल करती है, तो वो सब आप इग्नोर नहीं कर सकते, तो इसलिए हमने एक ही स्टॉक लिया था उस ग्रुप में और वो हमें काफी कंफर्ट था इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन, इन टर्म्स ऑफ डेट इक्विटी वगैरह वो सब देख के कैश जनरेशन, तो उसके लिए हमने वो लिया था। अदरवाइज ऐसा ग्रुप देख के हमने एक स्टॉक नहीं लिया है, इट्स मोर ऑफ लॉजिस्टिक प्ले। ओके दिनशा जी, एक और चीज़ आई थिंक अभी जिस नोट पे हमने अदानी ग्रुप के स्टॉक्स की बात की, आई मीन जो पॉलिटिकल इक्वेशन चेंज हुई है, मतलब बिहार में रिसेंटली जो नीतीश कुमार जी का ताज़ा निर्णय है उसके बाद, या फिर जो स्टेट इलेक्शंस आए थे उसके रिजल्ट्स के बाद, आज हम PSUs में बहुत बड़ा मूव देख रहे हैं, बड़ा कमांडिंग पोजिशन में PSUs हैं, आई मीन राइट फ्रॉम ONGC, NTPC, REC, PFC, LIC, ये पूरा का पूरा चंक PSUs का, OMCs का। आपका इस स्पेस में अभी भी कोई स्टॉक सिलेक्शन अगर कुछ हो फ्रेश थोड़ा बताएंगे, या फिर पूरे PSU बास्केट पे आपका व्यू इस वक्त? जी देखिए, PSU में एक्चुअली हम, अगर आप हमें 1.5-2 साल पहले पूछते तो हमारा तो बड़ा ही नेगेटिव हुआ करता था, पर हमने ये रियलाइज किया है कि नई जो गवर्नमेंट है वो ऑब्वियसली थोड़ी बहुत ही फ्लेक्सिबल है टुवर्ड्स PSUs, और उन्होंने रियलाइज किया है कि PSUs में आपको ग्रोथ इट शुड बी कंट्रोल्ड
पीएसयू, इसलिए हमें आज की तारीख में हमारे पोर्टफोलियो देखे तो काफी हमारे पास पीएसयू स्टॉक्स है, नॉट ओनली इन डिफेंस स्पेस जो हमें बहुत ही बढ़िया लगता है, बट ऑल्सो ऑयल एंड गैस में जो रिटेलर्स है वो हमारे पास है, तो इसलिए हमें तो काफी कम्फर्ट है यहाँ पे, और ये तब तक बना रहेगा जब तक गवर्नमेंट का एटीट्यूड टुवर्ड्स पीएसयू रिमेन्स दिस वे, कि आप देखिए इलेक्शंस के चलते फ्यूल के प्राइस भी नहीं काटे, इनफैक्ट इन्फ्लेशन कंट्रोल में, द लॉजिकल डिसीजन दैट दे टुक वाज कि इन्फ्लेशन तो कंट्रोल में है तो आपको फ्यूल काटने की जरूरत है नहीं, और यू डोंट वांट टू प्ले टू द गैलरी बाय कटिंग द रेट्स व्हेन द इन्फ्लेशन इज अराउंड, सो ऑब्वियसली काफी हद तक एटीट्यूड चेंज हुआ है और हमें काफी कम्फर्ट आ गया, और वैल्यूएशन तो कभी इश्यू ही नहीं था यहाँ पे, इनफैक्ट बैंकिंग स्पेस में भी हमारे पास SBI जो सबसे बड़ा PSU है इन द बैंकिंग स्पेस वो है, प्लस हमने एक और PSU ऐड किया है यहाँ पे, मैं नाम नहीं बताऊंगा, पर हमारा यही उधर देखना था कि एक तो वैल्यूएशन बड़े सस्ते थे, कभी भी एसेट में कभी इशू नहीं आया वहां पे, दे बी वेरी बहुत ही कंजर्वेटिव रहे इन टर्म्स ऑफ एसेट एलोकेशन वगैरह, तो उसके चलते हमें वो बैंक वैसे ही पसंद था, लेकिन थोड़ी क्लैरिटी चाहिए थी, जैसे आपने बोला स्टेट इलेक्शन में तो काफी क्लियर हो गया था कि ये गवर्नमेंट कंटिन्यू रहेगी और शायद स्ट्रेंथ के साथ ही आएगी, तो इसलिए हमने वो भी ऐड किया है, तो अदरवाइज वी आर क्वाइट हैप्पी जो भी हमारे पास पोजीशन है आज की तारीख। ओके PSU बैंक्स। अच्छा अब कुछ देर पहले हम मतलब आपके आने से पहले HDFC बैंक को डिस्कस भी कर रहे थे, PSUs को भी डिस्कस कर रहे थे आज। अंशा जी मतलब सीमेंट में बहुत स्ट्रॉन्ग मूव है इस बार, ACC के नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग रहे, अल्ट्राटेक सीमेंट क्लोजर टू इट्स ऑल टाइम हाई, मिड कैप में भी स्क्रीन पे स्ट्रेंथ विजिबल है, अभी सीमेंट में थोड़ा झुकाव है आपका? जी सीमेंट में हमारा था एक जमाने में झुकाव, पर शायद हम जल्दी बाहर चले गए उसमें से, लेकिन एक्चुअली आपने जो बोला ACC का काफी हद तक इम्प्रूवमेंट आया, इनफैक्ट पर टन बिट्टा जो था वो काफी बढ़िया था उनका, तो उसके हिसाब से तो हमें वापस एक रीलुक लेना चाहिए यहाँ पे, और एक्चुअली जैसे मैंने बोला कि अगर आप ग्रोथ स्टोरी की बात करते हैं इंडिया की, तो ऑब्वियसली सीमेंट को काफी हद तक उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ की बात करें तो एक जो मेजर इनपुट होता है वो सीमेंट होता है वगैरह मौसम, तो उसके चलते हमें देखना पड़ेगा वापस एक बार बारह, लेकिन वैल्यूएशन की अगर जो बात करें तो काफी हद तक स्ट्रेच हो चुके हैं यहाँ पे, एंड तो इसलिए हमें इट्स अ बैलेंस बिटवीन द टू, तो इसलिए हमें देखना है कि ग्रोथ जस्टिफाई करेगी ये वैल्यूएशन को कि नहीं, तो इसलिए राइट नाउ हमारे केस में तो जूरी इज आउट, पर कोई स्पेसिफिक कॉल नहीं लिया है। मीनवाइल बैंक निफ्टी वापस देखिए, बैंक निफ्टी अब वो 45,500 क्रॉस करके उसके ऊपर टिक रहा है, आज बैंक निफ्टी में फीलिंग आ रही है वो 1,000-1,200 पॉइंट की रैली वाला दिन पॉसिबल है आज, मतलब हो सकता है उससे ज़्यादा भी हो जाए, क्योंकि टिक रहा है ये गैप अप, ये इंपॉर्टेंट है, प्लस जैसा हमने डिस्कस किया था सुबह सुबह मार्केट के पास आज एक ट्रिगर था, एक मैक्रो ट्रिगर था जिसकी वजह से डोमेस्टिक इकोनॉमी वाले स्टॉक्स अच्छा करेंगे, यहाँ अच्छा मोमेंटम इस समय। दिनशो जी आप तो नॉर्मली नाम बता देते हैं, आप क्यों नहीं बताएंगे नाम, आपने कहा नाम नहीं बताऊंगा। जी अभी म्यूचुअल फंड आ गया हमारा, तो इसलिए आपको मंथ एंड में पोर्टफोलियो दिख जाएगा तब आपको पता चलेगा तो, कौन से तो अभी तो नहीं बता सकते। तो म्यूचुअल फंड आ गया तो क्या हो गया उससे, कुछ सेबी की उसमें कोई ये थोड़ी ना कि आप जो आपके पोर्टफोलियो में उसका तो नाम ले सकते हैं आप। नहीं जी आप देख लीजिएगा जी, मेरे कंप्लायंस वालों ने बोला कि कोई नाम नहीं बोल रहे। अच्छा तो ये तो गलत बात है, क्योंकि वो समीर जी तो हमेशा कहते हैं कि म्यूचुअल फंड वालों को नाम लेने चाहिए स्टॉक्स के, तो मुझे तो लगता है कि आप उसी को मेंटेन करेंगे। समीर जी अभी वहां बैठे हुए हैं, उनका तो ओवरऑल वो है व्यू है, सो इसलिए वो तो कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। अच्छा चलिए ठीक है, कोई नहीं पोर्टफोलियो में देख लेंगे। अच्छा कोई और थीम जिसमें आप बुलिश हो इस समय, जहां पर आपने इस समय एक फ्रेश व्यू लिया हो या थोड़ा पोर्टफोलियो में एलोकेशन किया हो, आपके पास ऑब्वियसली पैसा आना शुरू हुआ होगा म्यूचुअल फंड के अंदर। जी अनुज जी एक्चुअली दो थीमें जो है वो हमारी कायम रही है और वो रहेंगी भी आगे चल के, थोड़ा आपको उथल पुथल शायद दिखे उसमें सेक्टर में, लेकिन दो जो चीजें हमने जो थीम हमने पहले से डिसाइड की हुई थी कि अगर जो आपके पर कैपिटल बढ़ने वाले हैं इंडिया में, GDP ग्रोथ आने वाला है इंडिया में, तो दो थीम जो आपको रहनी चाहिए, और हमने तो ये तो पास में भी देखा है, दूसरी कंट्रियों में देखा है जहाँ पे ऐसी ग्रोथ आती है, तो दो जो सेक्टर बहुत बढ़िया करते हैं वो तो एक होता है डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन वाला स्पेस,
क्योंकि आपके डिस्क्रिशनरी स्पेंड बढ़ जाते हैं और उधर से ही एक्चुअली इकोनॉमीज जो है मोमेंटम मिलता है। तो एक तो वो है, दूसरा है फाइनेंस। अभी वहां पे आपको ये फाइनेंस के अंदर डबल वैल्यू होती है क्योंकि उनको कंजम्पशन ही फंड नहीं करना होता, पर ऑल्सो दे हैव टू फंड द केपेक्स जो कंजम्पशन में के लिए यूज होता है, मतलब टू मीट द कंजम्पशन यूज होता है। तो ये दो तो सेक्टर कायम है हमारे पास। दूसरा एक जो सेक्टर इंडिया स्पेसिफिक है वो है डिफेंस, और यहाँ पे हमें लगता है कि इंस्टेड ऑफ इंडिजनाइजेशन जो एक बहुत बड़ी स्टोरी है इंडिया के लिए, उसके बावजूद हमें लगता है कि आउटसोर्सिंग एक बेस बन सकता है इंडिया फॉर फ्यूचर डिफेंस नीड्स, क्योंकि ग्लोबली स्पेंड आर गोइंग अप इन डिफेंस और यहाँ पे इंडिया कैन बी द ओनली वन विच कैन मीट दोस काइंड ऑफ इंक्रीज स्पेंड। तो वो एक स्टोरी हमारे पास। तीसरी जो हमें पसंद है वो चौथी सारी जो पसंद है वो है इंफ्रा रिलेटेड स्टोरीज है, जहाँ पे हमें लगता है कि गिवन द काइंड ऑफ केपिक्स बूस्ट इंडिया नीड्स, उसमें आपको चाहिए होता है, और ऑब्वियसली पीएलआईज भी वहीं पे आ जाते हैं तो इंडिया आउटसोर्सिंग बेस बनने वाला है। तो ये सब चार पांच स्टोरियां हैं जो हमें बहुत ही थीम्स हैं जो हमें बहुत ही पसंद। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए दिनेश्वर जी और बात करने के लिए, और मंथ एंड में आपका पोर्टफोलियो जब आएगा तब थोड़ी सी और बात करेंगे आपके साथ। अभी हम हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अब आगे बढ़